स्वागत है आप सभी का गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पर्यावरण का पार्ट 6 आपके लिए लेके आ गए हैं और इसमें आज हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको डिटेल्ड एक तरह से डिटेल्ड आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं आज। तो लास्ट तक देखिएगा, जितने क्वेश्चंस आपके साथ आज हम लेकर आए हैं सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर देखें, एक से दो बार देखें, जिससे आपकी ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में बनते हैं तो आप वहां पे करके जरूर आएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रीवियस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है पर्यावरण की, साथ ही आपके अदर सब्जेक्ट के भी, तो सभी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। देखिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के आपके घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया ग्रीन हाउस का प्रभाव। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके अनुसार जो आपके 33% भाग पर भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है, तो जो एक ग्रीन पीस है ये आपके एक पर्यावरण की योजना बनाई गई थी पर्यावरण के द्वारा, पर्यावरण योजना जो बनाई गई थी पर्यावरण के लिए, ग्रीन पीस योजना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था आपके, यह आपके वनों की सुरक्षा के लिए था, जिससे कि वनों की कटाई ना हो, इसलिए आपकी चिपको आंदोलन का एक उद्देश्य था वनों की सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो देश का जो पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है आपका, वह बंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बंगलोर कर्नाटक में देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वह आपके अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। तो जो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी है ये आपके देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जितने भी आपके ये पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे कि आपके वन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। ठीक है, तो विश्व वानिकी दिवस आपके 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण, ध्यान दीजिएगा, वन सर्वेक्षण कहाँ, देहरादून। ठीक है, देहरादून में आपके वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है। वन प्रबंध संस्थान जो है आपका भारतीय, वह आपके भोपाल में। ठीक है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में है आपके भारतीय वन प्रबंध संस्थान। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो वन के लिए अगर हम बात करें तो कौन सा जाना जाता है आपका, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। कौन सी गैस आपके, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। पौधे जो होते हैं अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जो आपके पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनके द्वारा जो प्रदूषण होगा तो हमारा वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होता है इनके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा है यह आपके जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा। नेक्स्ट 15, परोक्सीएस्टिल नाइट्रेट पैन क्या है। परोक्सीएस्टिल नाइट्रेट
क्या है आपका ये? परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक वायु प्रदूषक है। परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो स्थित है आपका नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? सभी को पता है मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है, परावैगनी किरणों से। परावैगनी किरणों से जो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, ठीक है, ओजोन परत परावैगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपके जो यहाँ तक कि आपके एमपीपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए क्या है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है, सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, आकाश नीला किसके द्वारा दिखाई देता है? तो जो आकाश है नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, और ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, आप डेट जरूर ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके वन से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आप उन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, यहाँ पर कर लीजिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 21 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में की गई, 1980 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट 22, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो आपका यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? और तो आपका ओजोन, ठीक है, ओजोन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 24, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पक्ष को लिया गया है? विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पक्ष को लिया गया है? पांडा को लिया गया है, ठीक है, किसको लिया गया? पांडा को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट, टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश जाना जाता है टाइगर राज्य के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश जाना जाता है। 26 क्वेश्चन है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन जो महोत्सव है किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था वन महोत्सव, ठीक है, के एम मुंशी के द्वारा। 27 क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ठीक है, स्विट्जरलैंड। 28 क्वेश्चन, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो सबसे प्राचीन काल से जो उगाया जाने वाला फल वृक्ष है जो आपका खजूर, ठीक है, खजूर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या है, सफोकेशन क्या है आपका? सफोकेशन, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव जो होता है ये आपका सफोकेशन कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव सफोकेशन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपको वन लाइनर एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सभी वीडियो को जरूर देखें। एंड आपकी डिटेल भी क्लासेस कुछ प्रोवाइड की जाती हैं, और कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप सबसे पहले सभी वीडियो को देख पाएं। थैंक यू।